प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मजीद 7 अफराद जा बहक। 24 घंटे के दौरान 232 नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड। NCOC 2018 में जाली वोट की बुनियाद पर धांधली की पैदावार, हुकूमत बारद वजूद में आई, वो ना अहल थी, वो नाकामी का मुंह देख रही है, लेकिन उसकी सजा भी पूरी कौम भुगत रही है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में। कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी और यहाँ इस्लामाबाद में महंगाई के हवाले से यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। PDM का 23 मार्च को महंगाई मार्च करने का ऐलान, मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार, अवाम तब्दीली सरकार से तंग है। मुल्क के हर कोने से लोग इस्लामाबाद आएंगे, इस्तीफों का कार्ड कब शो करना है फैसला वक्त पर करेंगे। चारों सूबों की मरकजी क्यादत मुशावती इजलास करेगी, मौलाना फजल रहमान की PDM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगु। यौम पाकिस्तान पर मार्च की कॉल देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर इखलाकी इकदाम, हुसैन अफवाज पाकिस्तान रिवाइजी फ्रेड करती है। ऐसे वक्त पर मार्च की कॉल मुल्क दोस्ती नहीं मुनासिब होगा, PDM कॉल अप्रैल में ले जाए वजीर दाखिला शेख रशीद। फजलुर रहमान एक ऐसा राग अलाप रहे हैं जिसको ना कुछ सुनने वाला है और ना ही उनका कोई साथ देने वाला, बेवक्त की रागनी इसी को कहते हैं। 23 मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है, ये कौमों को जोड़ने का दिन है, कौमों को एक दूसरे से अलग करने का दिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। मौलाना फजल रहमान बेवक्त का राग लाप रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं, PDM वाले पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे, इस बार भी ऐसा ही होगा। 23 मार्च को सब देख लेंगे, फवाद चौधरी का रद्द अमल, इस्तीफों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 23 मार्च को एहतजाज का ऐलान करने वाले कौमी यकजहती खराब करना चाहते हैं फरुख हबीब। मैंने जब भी मुश्किल वक्त गुजारा है, पीपुल्स पार्टी की हिम्मत पे मैंने जेलें काटी। कल वाली इलेक्शन आपने जबरदस्त रिजल्ट दिया, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है, दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। पीपल्स पार्टी के मुश्किल वक्त में जेल काटी, पीपल्स पार्टी ने 133 में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। 50,000 वोटों की उम्मीद थी, टर्नआउट बढ़ा लेते तो 50,000 वोट ले सकते थे। पंजाब में इलेक्शन मुश्किल नहीं, हमारी कमजोरियां सामने आती हैं, हर हलके में नवाज लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, आसिफ जरदारी की मीडिया से गुफ्तगु। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास, मुल्क की मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फवाद चौधरी, शेख रशीद, मोईन यूसुफ, वजीर आला पंजाब और आला अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। श्रीलंकन शहरी के कत्ल के जालिमाना पेल पर तशवीश का इजहार, मुलजमान को इंसाफ के कचहरे में लाने के अजम का इरादा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, सियालकोट जैसे वाकयात बर्दाश्त नहीं करेंगे, इजलास के शिरका की मलिक अदनान की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ, ऐलानिया जारी। सानिया सियालकोट की तहकीकात में अहम पेशरफ, इंतहाई मतलूब मुलजिम इम्तियाज अली गिरफ्तार, श्रीलंकन मैनेजर की वीडियो बॉडी कोलंबो भिजवा दी गई, CCTV फुटेजेस और मोबाइल कॉल डेटा की मदद से छापे जारी। सियालकोट वाकई की तहकीकात, 26 मरकजी मुलजमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, गुजरावाला के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान को 21 दिसंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
पीटीआई वक्त के इस्लामाबाद में श्रीलंकन एम्बेसी आमद पर प्रियंका कुमारा के कत्ल पर रंजू गम का इजहार, सियालकोट वाकया अफसोसनाक, दुख का इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने मुल्जमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की, यकीन है मुतासर खानदान को इंसाफ मिलेगा। वाकये से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, श्रीलंकन हाई कमिश्नर। वजीर दाखिला शेख रशीद की श्रीलंकन हाई कमीशन इस्लामाबाद आमद, श्रीलंका के हाई कमीशनर से मुलाकात, श्रीलंका के शहरी प्रियंका कुमारा की हलाकत पर तईजत का इजहार। वजीर दाखिला का हुकूमत और पाकिस्तान अवाम की जानिब से अफसोस का इजहार, कहा वाकये में मुलव्वस मुल्जमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के रद्द अमल पर मुतमईन है श्रीलंकन हाई कमिश्नर। मुल्क भर में ग्राउंड का जाल बिछाने का अज़्म, खैबर पख्तूनख्वा में 300 और पंजाब में 260 ग्राउंड बना चुके, कोशिश है पाकिस्तान आर्मी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले। आप हारते तब हैं जब हार कर दिल बर्दाश्ता होकर हाथ खड़े कर देते हैं। फोर्स की नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। मुल्की तारीख के सबसे बड़े खेलों के प्रोग्राम कामयाब स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज, इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, नौजवानों के लिए 4 अरब के 4 नए मंसूबे, टैलेंट हंट प्रोग्राम में 6000 एथलीट इन एक्शन। प्राचीन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट मेजर इरफान और मेजर राजा निशान शहीद, फौजी अहलकारों की जाय हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां ISPR। IG इस्लामाबाद तब्दील, मोहम्मद एहसन यूनिस को IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया, काजी जमीरुर रहमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद एहसन यूनिस तब्दील। नून लीग के 50% से जायद वोट कम हो गए, पीपल्स पार्टी 5000 से 32000 से जायद वोटों तक पहुंची, अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाएगी, बिलावल भुट्टो की ललकार। NA 133 में फतह ने साबित कर दिया लाहौर नून लीग का गढ़ है, PTI को आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। एक जमात ने NA 133 में वोटर्स को खरीदने की कोशिश की, अताकारें जीतन थी। NA 133 का इलेक्शन 90 की दहाई की हॉरर फिल्म का ट्रेलर था, वोटर्स की अदम दिलचस्पी ने साबित कर दिया उन्हें दोनों जमातों से कोई सरोकार नहीं। 82% अवाम ने पोलिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, टर्नआउट न होने के बराबर था शहबाज गिल। तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। जुनेद सत्ते की शादी की खुशी में तकरीब, हमजा शहबाज ने गाना गाकर महफिल लूट ली, शुरका की भरपूर दात, नून लीगी रहनुमा गायकी की वीडियो वायरल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने इस्तफसार किया कि आप तोहीन अदालत केस में कैसे फरीक बन सकते हैं, वकील ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के बारे में मालूमात रखता हूं। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा कि इसे छोड़ें, तोहीन अदालत केस तो अदालत का अपना मामला होता है। कराची की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत, स्पीकर सिंध असेंबली अदालत पेश, अदालत ने आवा फिराज चुरानी को 23 दिसंबर तक जेल भेज दिया। बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ MQM का कराची में एहतजाज, नया बल्दियाती कानून कराची के खिलाफ साजिश, सिंधु देश मंजूर नहीं, अब वापसी नहीं होगी, सूबे भर में एहतजाज जारी रहेगा, वसीम अख्तर का एहतजाजी रैली से खिताब।
कराची में खौफ की सियासत नहीं करने देंगे। सिंध में MQI को बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। वसीम अख्तर चार साल कहते रहे उनके पास इख्तियारात नहीं, मुखालफत के बावजूद मुत्तहिदा के मेयर को मुद्दत पूरी करनी दी। मुर्तजा वहाब इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का तफसीना तैयार। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ मेयर के इंतखाब में EVM इस्तेमाल करने का फैसला। इंतखाब के लिए 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। NCOC का इजलास, कोरोना सूरत हाल के बाइस विदाई सफर और कैटेगरी सी लिस्ट का जायजा। कैटेगरी सी ममालिक की लिस्ट में तौसी। कैटेगरी सी में शामिल ममालिक के शहरी पाकिस्तान का सफर नहीं कर सकेंगे। NCOC म्यांमार की बरतरफ रहनुमा आंग सान सू ची को 4 साल कैद की सजा। फौज की कैद में मौजूदा रहनुमा को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में सजा हुई। यूरोपियन यूनियन की रहनुमा को दी गई सजा की मुजम्मत।